हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सो करके उठी, फ्रेश वगैरह हुई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ सुबह और शिवा का लंच बॉक्स तैयार करने। और आज क्या कर रही हूँ मैं तो लंच में, अब यहाँ पर देख रही हूँ मैंने ये मसूर की दाल और मूंग दाल भी भिगो के रखी थी शाम को, इनकी मैं टिक्की बनाऊंगी, साथ में चपाती में दूंगी। बच्चों को खाना बहुत पसंद है तो मैं इसी तरह से बना देती हूँ, उसकी बहुत टेस्टी बनती है, कभी भी आप भी ट्राई कीजिएगा। लेकिन गरम गरम इसको खा सकते हैं, जब ये ठंडी होती है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है पानी, इसलिए इसको गरम गरम। तो मेरे पास यहाँ पर मिक्स ग्राइंडर तो है नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ, बस इसी में कूट के मैं इसको बारीक कर रही हूँ। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत भी नहीं होती, आधा आधा भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि खाने में उतना ही टेस्टी होता है। आवाज़ बहुत आ रही होगी क्योंकि वहाँ पे नीचे खेत है जिसको खेत से जोत रहे हैं, वहाँ नीचे बड़े वाला ट्रैक्टर नहीं होता उससे जोत रहे हैं। वहाँ पे देखो, आपको दिख भी रहा होगा, ये टाइम यहाँ भी ठंड बहुत हो गई है, शाम के टाइम भी ठंड है। बस मुझे यहाँ पे दिन को भी ठंड लगती है क्योंकि इस वाले हमारे वाली साइड में ना धूप नहीं लगती, दूसरी साइड धूप लगती है, इस वाली साइड धूप नहीं लगती है। चलिए फटाफट से बना लेती हूँ वरना फिर। तो ये ना सिर्फ आधा डे से हुए हैं, मतलब इसमें पूरी तरह से नहीं हो सकते बारीक, तो इसलिए मैंने आधा डे किए क्योंकि आधा डे में भी ये अच्छे बनेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर क्या क्या डालूंगी, मैं इसमें डालूंगी प्याज, थोड़ा सा मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दिया है, बाकी धनिया, हरा धनिया इसमें डालोगे, और हरी मिर्च, लाल मिर्च तो डाल सकते हो अगर डालना चाहते हो तो, बाकी हल्दी, नमक, सब कुछ वैसे ही मसाले इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पेस्ट यहाँ पर बना लिया है। अब मैं तवे रख दिया है, मैंने तवे पर मैंने डाल दिया है घी, घी मैंने चम्मच से डाला हुआ है, और अभी इसी के, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ बनता है तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसी के ऊपर मैं इसको गोल, मैं राउंड शेप यहाँ पे दे रही हूँ, राउंड, आप चाहे तो राउंड भी दे सकते हो, तो दूसरी शेप भी दे सकते हो, अगर चौकोर शेप बनाना चाहते हो वैसे भी दे सकते हो। अब बनाइएगा ज़रूर, कौन कौन बनाता होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सेवा का ना लंच मैंने तैयार कर दिया था, उसके बाद मैं चली गई थी दूध लाने, अभी दूध आ गया था ऊपर और अभी दूध रख लेती हूँ। इनको मैंने तब तक ब्रेकफास्ट दिया था त्या खाने को, क्योंकि दूध लाने में थोड़ा दूर जाना पड़ता है। ये तैयार भी हो गए, चलो चलो, बाय शिवा, बाय शुभी, किसको कर रहा है, बाय, बैग दे दो ना मेरे पास, तो चलो जल्दी चलो फिर लेट हो जाए। सुबह जब उठी ना उसके बाद मौसम इतना ख़राब हो रखा था, बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदाबांदी भी हो गई थी थोड़ी देर, लेकिन अब देखो बस एक घंटे में ही मौसम पलट गया। अब देखो मौसम क्लियर दिख रहा है और धूप भी दिख रही है उधर। अभी और सिवा तो पहुंच गए भाई स्कूल, और साथ में दूध भी आ गया, आज मेरे 9 बजे हो गए काम। अभी मैं फटाफट से अपने लिए ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती, बच्चों को भेजने के बाद ही ब्रेकफास्ट करती। ये वाली साइड की सेब देखो मैंने बना दी है, ये देखो, और इस वाले के थोड़े से मैंने धागे से निकाल दिए ना, थोड़े से मैंने प्लकर की सहायता से निकाले, मतलब जो सेब थी वो मैंने प्लकर से दी, बाकी मैंने एक्स्ट्रा धागे से निकाल दिए, लेकिन इस वाले के धागे से मुझसे नहीं निकलेंगे, तो इसीलिए मेरे बालों में आपको डैंड्रफ नहीं है। ये मैंने एक रेमेडी ट्राई की थी, वो आपको बालों में दिख रही है अभी, क्योंकि मैंने मेहंदी खोल के रखी है, मैंने कहा वो भी लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और इस वाले की शेप देखो अभी मुझे बनानी है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी ग्रोथ कितनी हुई है, और ये वाली शेप मेरी बिल्कुल एकदम से रेडी है। देखिए मेरी इस साइड की थ्रेडिंग भी हो गई है और यहाँ की थ्रेडिंग भी हो गई है। ये साइड मुझे ये बना होता है ना हमेशा, जो लेफ़्ट साइड की है उसे बनाने थोड़ा डीप टफ होता है, और ये वाली इजीली बन जाती है, इसकी शेप अच्छी बनती है, लेकिन इसकी शेप देखो थोड़ी सी लग रहा है मुझे कि वैसी नहीं बनी जैसी इस साइड की शेप बनी है। चलिए 40 रुपये बचे तो यहाँ पर मेरा खाना रेडी है, मेरी बनी है दाल, मिक्स दाल मैंने बनाई है, चना और उड़द दाल की, और साथ में मेरे चावल भी रहे। और यहाँ पर मैंने मेहंदी घोल के रखी है, मेहंदी में सेम चीज़ें डाली है जो उस दिन डाली थी, ये देखो, बस इसको मैंने लोहे की, जो मेरे पास एक नाइफ है ना उसमें डाल के रखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लोहे की कढ़ाई तो है नहीं, तो इसीलिए फिर मैंने नाइफ डाला है। आज मैंने मेथी और उसका पेस्ट ही डाल दिया है इसके अंदर, पानी तो डाला ही है साथ में पेस्ट भी डाल दिया है, तो आपको ये बीच में दिखेंगे जब मैं लगाऊंगी ना, तब दिखी तो लगेगी नहीं, मेहंदी लगाऊंगी मैं जब शिवा को, उसके बाद ही लगाऊंगी क्योंकि शिवा को भी मुझे स्कूल से लाना है, उसके बाद ही लगा सकती हूँ मैं। फिर पहले तो मैं लंच कर लूंगी,
तो मैं ना यहाँ पे सुबी और शिवा को स्कूल से वापस लेके आ रही थी, मतलब सुबी को तो नहीं, शिवा को लेके आ रही थी। यहाँ पे दो बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई आप देख सकते हो। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने बालों में मेहंदी। यहाँ पे पीछे आपको जैकी की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे बस मेहंदी, मैंने कहा 2 घंटे लगा के, चलो जल्दी थोड़ा कद्दू की बेल जाती रही, चलो चलो जल्दी चलो। फाइनली देखिए अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैंने अपने बालों में मेहंदी धो दी है, लगभग 2-2.5 घंटे ही रखी मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका कल दिया डेकोरेशन का कंपटीशन है, तो वहाँ पे मैंने कहा मार्केट चलते हैं फिर सामान वगैरह ले आते हैं, अंधेरा होने वाला है, जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं। शिवा की तबीयत कुछ आज फिर से ठीक नहीं है, इसको कुछ, चलो चलो हैं। ये शिवा को, शिवा अगर लेना चाहेगा तभी लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, चलो जल्दी पटाखे तो शिवा को पसंद है, तो फोड़ा था इसने पिछली बार भी, एक बार इसने पता क्या किया, आराम से आराम से चलो सड़क आगे, इतना इतना डब्बा था, तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें आखिरकार यहाँ पे दिए मिल गए, और फिर ये दर्जन के हिसाब से दे रहे थे तो फिर मैंने 6 दिए यहाँ पे ले। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं वापस, और जितना मतलब सोच के कुछ और जाएं ले, कुछ और लेते हैं। एक्चुअली सुबह ने कुछ यहाँ पे कलर भी ले लिए रंगोली के, मुझे नहीं पता उसको बनानी आती नहीं, मैं बनाती नहीं, मैं बनाती हूँ दूसरी रंगोली, पता नहीं अभी लगेगा पता। वो हमारे घर के बाहर रही थे वगैरह गिरा हुआ है, वो कौन उठाएगा, तो ये रंगोली के कुछ कलर भी लिए, और दिए मुझे 1-2 ही लेने थे, लेकिन फिर मैंने कहा, उसने बोला 60 रुपया दर्जन है, तो क्योंकि हमारे पिछले साल के दिए भी अभी वैसे ही हैं, तो फिर मैंने ले लिए थोड़े बहुत। सुबह इनको भी डेकोरेट कर देना, ठीक है, ये वाले दिए भी डेकोरेट कर देना, और कल के लिए आप, कल के लिए आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, इतने सारे मत ले जाओ। यहाँ पे देखो इसका काम, तू कपड़ों से ना दूर बैठ जा सुबह, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है कि तू कलर गिराएगी। ओह माय गॉड, गिर गई थी मैं, कलर गिराएगी, मेरा तो पता नहीं पर आप ओए देख 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 है देख क्या भाभी यहाँ पे दिया डेकोरेट करने लग गया है, और मैं भी थोड़ी देर ना, मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई, ये एक्चुअली ये दिया मैंने डेकोरेट किया, सुबह ने इसको कलर कर दिया था, पहले इसने बस ऐसे डॉट डॉट लगा के इसका सत्यानाश कर दिया था, तो फिर मैंने देखो इसको अच्छे से डेकोरेट किया। एक्चुअली ये वाला काम ना सबको पसंद आता है ना, दिया डेकोरेशन का और पेंटिंग करने का, और ये इसने बीड्स जिसमें लगाए थे, बाकी डॉट वगैरह मैंने लगा के इसको बाहर से भी मैंने इसको डेकोरेट कर दिया, मैं इसको बस आइडिया दे रही हूँ कि कल तू ऐसा, और इस दिए का शिवा ने सत्यानाश कर दिया था कलर करके, तो मैंने इसको बस ऐसे ही जैसे इसी की लैंग्वेज में, मतलब इसी के जैसे बच्चों वाला होता है ना वो वाला दिया मैंने इसको बाहर से, बस इसमें कलर डिफरेंट टाइप के करके बस ऐसे बना दिया इसको। वैसे ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें दिख नहीं रहा इतना, और यहाँ पे सुबह पर्पल, अब देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है, और शिवा कर रहा है ब्लू, इसका फेवरेट कलर भी ब्लू है, वेरी गुड लग रहा है इंडिया। हाँ लगेज की सब्जी, मैंने कहा बीन्स बनाती हूँ अब, तो देखिए रात के ना 10:30 हो चुके हैं, और मैं इन दोनों को सुला रही हूँ, इसकी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है, और अभी वो अकेले में बैठ के बोल रहा था कि भगवान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसको कुछ गैस्ट्रिक टाइप की लग रही है, वो लूज मोशन लग गया है इसको अब, और साथ में इसको कोल्ड भी हुआ है, और वहाँ पे देखो सुबह अभी सोई नहीं है, वो सोने का नाटक कर रही है, कल इसका दिया डेकोरेशन का है, हाफ डे है कल इनका, पापा जा रहे हैं मेरे में, पापा के आने तक नहीं सो सकती, ये रिवाज है मेरे घर का, मेरा मतलब मेरी दुनिया का। हाँ हाँ ठीक है, पापा लेट हो गए, तो सो जाओ शिवान, ड्यू टू जाम, ये पानी में नहीं पीता फिर मुझे इसका बहुत डर ये लगता है, बेहोशी वाला मुझे ज्यादा, बाकी शिवा अब ठीक है, शिवा एकदम से ठीक है ना, पापा गन्ने भी ला रहे हैं। और एक मिनट, किसने कमेंट किया था कि प्लीज बताना वीडियो में कि आप अकेले क्यों रहते हो, मतलब अलग क्यों रहते हो,
तो भाई मैं, हाँ सुबी, हम अलग क्यों रहते हैं? स्कूल की वजह से, क्योंकि घर से स्कूल बहुत दूर होता है, सुबह जाने में लेट हो जाता है, जल्दी जल्दी लगी होती है, और गाड़ी वाले अंकल आधा घंटा पहले पहुंचा के पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो नहीं फिर नहीं वो हम, तो गाड़ी अपनी हिसाब से चलाएंगे ना, और शिवा, फिर शिवा को ने हम शिवा लेके, जाता ही नहीं है। ये गाड़ी में बैठता नहीं है अकेला, तो फिर इसलिए फिर हम आप अकेले। बोलोगे सुबी भी तो है साथ में, पर मेरे साथ ही तो नहीं बैठता भाई, सुब्बी को घबरा के मैं, जब बोलो। शुरू में मैंने सुब्बी को स्कूल में डाला था, मतलब हमने, तो इसको ना मैं खुद अप डाउन करवाती थी, खुद बस में जाती थी और फिर लाती थी। उस टाइम कोई मतलब ऐसा थीम नहीं था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो नज़दीक देखने के लिए रूम भी देख लेते हैं। उस टाइम भी हमने बहुत मतलब ये लगा था कि उस टाइम भी ये, फिर पहले बीमार नहीं होती थी, लेकिन जब इसको स्कूल में डाला तो बीमार रहने लगी। फिर हमें लगा कि नहीं, इतना ज़्यादा सफ़र हो जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और डेली का मतलब 20 20 किलोमीटर अगर सफ़र हो रहा है तो दस ही बहुत है, है। दस ही है। तो 10 आने में 10 जाने में ना 20 किलोमीटर सफ़र अगर रोज बच्चा कर रहा है 4 साल का, तो वो बहुत है उसके लिए। तो फिर उस टाइम लगा था, फिर काफ़ी थोड़े टाइम के बाद, मतलब लगभग 3 4 महीने मैं इसको खुद लाती रही हूँ बस में। उसके बाद इसको गाड़ी जाती थी हमारी से, तो फिर गाड़ी लगा दी थी इसको, तो फिर ये बड़ी आराम से मतलब एडजस्ट हो गई, फिर इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये ऐसा है कि ये नहीं जा पाता ना, तो ये गाड़ी में अकेला नहीं बैठता है, बस इसका वो मन बैठ गया है कि ये कहीं मतलब वही ना बेहोश ना हो जाए या कुछ, तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे अकेले रहते हैं और पतिदेव के साथ रह नहीं सकते, क्योंकि दादाजी तो आते हैं। दादाजी आते हैं, अम्मा भी आती है बीच में, ताई भी आती है, तो इसीलिए फिर हम यहाँ पे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से यहाँ पे, इसलिए अकेले रह रहे आज हैं, जिस दिन तो अलग रह पापा रहे आते हैं हैं, ना, ऐसे हम छुट्टी के दिन जाते हैं, इस दिन तो अलग पापा, नहीं रह रहे हैं हम। वैसे हम ज्वाइंट फैमिली में ही रहते हैं, लेकिन अभी अलग मतलब अभी इसीलिए अलग नहीं बोल दिल से सकते आप, अलग हम नहीं है। अलग बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम अभी लिव इन ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। तो वैसे तो जो भी हमारे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन कुछ न्यू फैमिली जो जुड़ी हाँ है जुड़ती है हर रोज, उनको पता नहीं होता तो फिर वो वो। अभी जाके एक लंबी सी वेब सीरीज बनाओ और अच्छा चलिए, अच्छा देख चलिए अभी सोने दो शिवा को, है ना, मैं चाह रही हूँ कि रेस्ट लो। करे पापा क्यों प्रॉपर। नहीं चलिए इस पहुंचे ब्लॉग अभी को तक? पहुंच जाएंगे बेटा, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस, ठीक है। आप सब दिवाली खूब मेरी मनाइए। फ्रेंड ने क्या मुझे क्या किया, आज ही दिया हैप्पी क्या दिवाली क्या कर रहे हो मेसेज। दिवाली में, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेरी फ्रेंड ने लिखिएगा। मुझे बोला हैप्पी दिवाली, मैं बोला तो ये तू बात कल भी तो बोल सकती है ना, कल भी तो आना है स्कूल। हाँ बाबा।